So, good morning, students. I am your teacher, Dolphy, and I hope that you all are fine. And जैसे कि कल हमारी क्लास थी ऑनलाइन जूम क्लास, तो उसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट एक आइडिया प्रोवाइड कर दिया था दैट हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस. ओके, तो जनरल कंपाउंड मैंने आपको बताने कैसे बनाने हैं वो तो बता ही दिया था. साथ ही साथ जो जनरल पैटर्न है केमिकल रिएक्शंस का, वो हमने डिस्कस कर लिया था इन योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. सो इन दिस टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 2.1, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस. तो हम क्या करेंगे, रिएक्शंस करवाएंगे अलग अलग तरह के एसिड्स की और बेस की विद डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स, और ये ऑब्जर्व करेंगे कि उनकी जो रिजल्टेंट्स हैं वो कैसे देखने को मिलती हैं. देयर आर सम एक्टिविटीज दैट यू हैव टू ऑब्जर्व दैट हाउ दे रिएक्ट विद डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड. सो इफ यू आर इन अ लेबोरेटरी, द एक्टिविटी इज दैट हाउ द एसिड एंड बेस इज बिहेव इन द लेबोरेटरी. सो यू हैव सम सैम्पल्स, मीन्स यू हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज अ सैम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड एज एन एग्जाम्पल, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड. सो ऑल दीज फोर आर एसिड फ्रॉम विच हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. ऑल द थ्री आर मिनरल एसिड, मीन्स दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, मीन्स इफ दे फॉल इन बॉडी दे बर्न यूअर बॉडी एंड यू कांट ईट दैम. ओके, वाइल द अदर वन इज द एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज द वीक एसिड और इट इज ऑर्गेनिक एसिड. इट इज दैट टाइप ऑफ एसिड विच वी कैन ईट. ओके, तो इन जनरल लैंग्वेज जो विनेगर होता है ना सिरका, उसमें क्या प्रेजेंट होता है आपका, एसिटिक एसिड. ओके, नेक्स्ट कम टू द सम काइंड ऑफ बेसिस. फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, सेकेंड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड वन इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फोर्थ वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड द लास्ट वन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो जिस भी कंपाउंड के स्टार्टिंग में आपको एच दिखे वो तो होगा एसिड, और जिस भी कंपाउंड के लास्ट में आपको क्या दिखे, ओ एच, वो क्या होगा, बेस. ठीक, दैट वट इज द पॉइंट दैट पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सोल्यूशन. हर एक सोल्यूशन की एक ड्रॉप किसके ऊपर डालो, एक वॉच ग्लास के ऊपर डालो. देन उनके ऊपर अलग अलग तरह के आप इंडिकेटर्स ऐड करो. ठीक है, जैसे कि एक जनरल एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, कल भी करवाई थी, दैट जो आपका एसिड है इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. वो ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड. और जो आपका बेस है दैट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. तो आप दो लिटमस का तो आपको अच्छे से पता चल गया कि जो HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और एसिटिक एसिड है, वो सारे आपके ब्लू लिटमस को क्या कर देंगे, रेड. और इन कंपैरिजन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जो और भी कोई हाइड्रोक्साइड है, वो सारे के सारे जो आपके रेड वाला लिटमस है उसको क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे. इसके बिना आपने क्या देखनी है, ऑब्जर्वेशंस देखनी है किनकी, मतलब रेड लिटमस पे क्या इफेक्ट होगा, ब्लू लिटमस पे क्या इफेक्ट होगा, फिनोलेफ्थ्रीन का क्या होगा और मिथाइल ऑरेंज का क्या होगा. मैं आपको आइडिया बता देती हूँ एक, कि जो आपका फिनोलेफ्थ्रीन है ना रजे, सो जो आपका फिनोलेफ्थ्रीन है रजे, दैट इज एक्चुअली कलरलेस इन नेचुरल स्टेट. कलरलेस होता है, एसिड की प्रेजेंस में भी वो क्या रहता है, कलरलेस ही रहता है, और बेस की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है. ऐसे ही आपका मिथाइल ऑरेंज है, जो नेचुरल कंडीशंस में क्या होता है, ऑरेंज इन कलर. एसिड की प्रेजेंस में रेड हो जाता है और बेस की प्रेजेंस में येलो हो जाता है. तो जो मैंने आपको ऊपर कैलकुलेशंस बताई, ठीक है, वो एसिड के यहाँ पे टेबल नंबर 2.1 में आपने फिल करना है. पहले एक कॉलम बना लेना एसिड का, दूसरा बना लेना बेस का, फिर वहां पे ऐड करते रहना कि एसिड का रेड लिटमस पे क्या इफेक्ट है, ब्लू पे क्या इफेक्ट है, फिनोलेफ्थ्रीन पे क्या इफेक्ट है और मिथाइल ऑरेंज पे क्या इफेक्ट है. ठीक है, फिर ये चार्ट बना के आपने मुझे फोटोग्राफ क्या करनी है, सेंड करनी है. ओके, नेक्स्ट कम टू, कहते किसी भी सब्सटेंस को जिसके थ्रू आप डिटेक्ट कर सको कि दैट द गिवन कंपाउंड इज एन एसिड और बेस, जिसके आपको ये पता चले कि जिस कंपाउंड के साथ आप वर्क कर रहे हो वो एक एसिड है या बेस है, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर. तो इंडिकेटर रजे दो तरह के होते हैं, दे कैन बी नेचुरल इंडिकेटर और कैन बी आर्टिफिशियल या सिंथेटिक टाइप ऑफ इंडिकेटर. सो ऐसा इंडिकेटर है जी जो नेचर से, मतलब किसी नेचुरल प्रोडक्ट से आप बनाते हो, उसे क्या बोलते हो, नेचुरल इंडिकेटर. और जो आप आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हो इन द लेबोरेटरी, उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर. इसके बिना जो थर्ड टाइप के इंडिकेटर्स आप स्टडी करते हो, यूजली वो नेचुरल ही होते हैं, वो होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स मतलब ऐसे इंडिकेटर
जिनकी स्मेल की बेसिस पे आप डिटेक्ट करते हो कि कंपाउंड क्या है, एसिड है या बेस है. फॉर एग्जाम्पल आपका अनियन, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस. अनियन की स्मेल चेंज नहीं होती इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब जैसी स्मेल है वैसी ही स्मेल रहती है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस सोडियम अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल लॉस कर देता है. तो अगर आप कोई कंपाउंड डाल रहे हो और उसके साथ जो स्मेल क्या रहती है, अनियन वाली इंटेक्ट रहती है, तो आप क्या बोलोगे वो कंपाउंड कौन सा है, एसिड. अगर उस कंपाउंड की वजह से आपके अनियन ने स्मेल लॉस कर दी, उसे आप क्या बोलोगे रजे, बेस. नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. इसमें वही दिया हुआ है कि आपके पास क्या है रजे, अनियन की स्ट्रिप्स हैं, ठीक है. तो उसको आपने क्या करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब HCl डालना है और थोड़ा सा क्या डालना है, NaOH. आपको पता है HCl क्या है, एसिड है, और NaOH क्या है, बेस है. फिर आपने ऑब्जर्व करना है कि स्मेल के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा. सो नेक्स्ट जो आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है बेटे, वो कौन सा है, वेनीला, ठीक है. जो वेनीला फ्लेवर आप आइसक्रीम्स में खाते हो, तो उसमें भी सेम ही कैरेक्टरिस्टिक है रजे. जो वेनीला होता है ना आपका, वो एसिड की प्रेजेंस में अपनी जो स्वीट सी स्मेल है वो लॉस नहीं करता, और बेस की प्रेजेंस में वो लॉस कर देता है, ठीक है. तो आप क्या डालोगे, पहले एसिड डाल के देखोगे, फिर बेस डाल के देखोगे, फिर देखोगे कि स्मेल चेंज हुई कि नहीं हुई, फिर उस बेसिस पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपका कंपाउंड क्या है, एसिड है या बेस है. सो बेसिकली आज हमने क्या डिस्कस किया, दैट द व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस ऑफ द एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी एंड द इंडिकेटर्स. मतलब ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके थ्रू आप इंडिकेट कर सकते हो कि ये कंपाउंड एसिड है या बेस है. तो एसिड और बेस के टेस्ट के लिए जो कंपाउंड यूज होता है रजे, उसे क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स, ठीक है. और इंडिकेटर्स आप कौन कौन से स्टडी करोगे आपके, वो मैंने दो तरह के करवाए, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल. नेचुरल वो वाले जो नेचर से अब्रैक्ट होते हैं, और आर्टिफिशियल वो वाले जिन्हें आप सिंथेटिक लेबोरेटरी में बनाते हो. इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की करेंगे, सबसे बेस्ट टाइप का जो इंडिकेटर है सिंथेटिक वो, और जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि कितनी पीएच है. अब तक तो हम जब आप जो भी कंपाउंड यूज कर रहे हैं ना, वो सब ये बता रहा है कि या तो ये एसिड है या फिर ये बेस है, पर ये नहीं बता सक रहा कि वो स्ट्रोंग एसिड है, स्ट्रोंग बेस है या कैसा है. ओके, सो ऐसा जो टॉपिक है वी विल डिस्कस टुमोरो. दिस इज ऑल फॉर टुडे. अगर इस टॉपिक तक कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क. मोस्ट वेलकम. थैंक यू.